हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जी के नाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 12 अगस्त हो गया है और आज की शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो आज की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं। एलटी ग्रेड रिजल्ट 15 के बाद आर पार, पीसीएस 2018 प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी पर विवाद, आरओ एआरओ 2017 भर्ती जल्द पूरे होने के आसार, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती न्यूज़ है, विज्ञापन संख्या 46 और 47 को लेकर, और एलटी ग्रेड रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन 15 के बाद, और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो ये आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त को न्याय दिवस के बाद मिशन आर पार, एलटी ग्रेड 2018 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। पेपर लीक मामले में फंसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी एक बार फिर लामबंद तेज करेंगे। अभ्यर्थी 29 जुलाई 2018 को ही परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने के लिए मिशन आर पार छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत 15 अगस्त को ध्वजारोहण से होगी। प्रदेश के हर जिले में एलटी ग्रेड अभ्यर्थी ध्वजारोहण करेंगे, जबकि प्रयागराज में मौजूद अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में ध्वजारोहण करके न्याय दिवस मनाएंगे। अभ्यर्थी 16 अगस्त से प्रदेश के हर जिले में मौजूद अभ्यर्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंत्री, संसद व विधायक, जिलाधिकारी, एसएसपी व एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में वाराणसी एसटीएफ की जाँच जल्द पूरी कराकर आयोग को रिपोर्ट देने की मांग की जाएगी। यह मुहिम पूरे अगस्त चलेगी। अगर अगस्त के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी न हुआ तो सितंबर से आयोग में अनिश्चितकाल के लिए अनशन शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि वाराणसी के एसएसपी ने 15 अगस्त के पहले जांच रिपोर्ट देने का वादा किया था और उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से भी यह वादा किया है। अगर वादा टूटता है तो अभ्यर्थी प्रदेश भर में आवाज़ बुलंद करेंगे, जिसका केंद्र प्रयागराज होगा। मोर्चा प्रतिनिधिमंडल अनिल उपाध्याय कहते हैं कि प्रदेश भर में अभियान चलाने के साथ 18 से 20 अगस्त के बीच वाराणसी एसएसपी कार्यालय का घेराव करके रिपोर्ट जारी करने की मांग करेंगे। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। और पीसीएस 2018 की प्री परीक्षा उत्तर कुंजी पर एक और विवाद, अभ्यर्थियों ने आयोग की मंशा पर उठाए सवाल, दो बार उत्तर कुंजी जारी करने पर जाएंगे कोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक लेटेस्ट न्यूज़ है। पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी में डिलीट किए गए बदले गए सवालों को लेकर न्याय में याचिका दाखिल कर दी है, दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद दो बार उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ जो संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। परीक्षा से पहले जारी अंतरिम उत्तर कुंजी को ही बिना किसी बदलाव के अंतरिम उत्तर कुंजी के रूप में जारी कर दिया गया, जबकि सवालों को लेकर आयोग में तमाम आपत्ति आई थी। हालांकि दो माह बाद आयोग में माना था कि अंतिम उत्तर कुंजी गलत जारी हो गई थी और आयोग ने दोबारा संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी। इसमें कुछ सवालों के दो विकल्प सही माने गए हैं। इस परीक्षा में पहली बार निगेटिव मार्किंग लागू की गई थी, ऐसे में अभ्यर्थियों ने उन सवालों को छोड़ दिया जिसके जवाब को लेकर सरासरी की स्थिति। अब कुछ सवालों को दो विकल्प सही माने जाते हैं, पर सवाल छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वहीं अभ्यर्थी आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ थी आपकी पीसीएस 2018 की परीक्षा को लेकर। और हिंदी के संशोधित उत्तर कुंजी में भी गलती दर्ज कराया पड़ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बुकलेट और उत्तर कुंजी के बीच तालमेल गड़बड़ाया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जारी की गई संशोधित उत्तर कुंजी भी गलत है। अभ्यर्थियों ने यह दावा करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उनके पास इसके प्रमाण भी हैं। ऐसे में आयोग को अब फिर से संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना पड़ सकता है। हिंदी की उत्तर कुंजी को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है और अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका भी दाखिल की है। न्यायालय ने बीएचयू के विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई थी और विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों की आपत्ति को सही पाया था। इस पर न्यायालय ने आयोग को आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। आयोग ने अपनी रुख स्पष्ट करते हुए शनिवार को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, लेकिन इसमें भी आयोग ने गलती कर दी। तो विज्ञापन संख्या 47 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ थी। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर, विज्ञापन संख्या 46 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। स्टैंड प्रोफेसर भर्ती परीक्षा काउंसिलिंग के लिए मांगी सूचना, भर्ती पर ऊहापोह।
अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के तहत 3 विषयों की अतिरिक्त सूची प्रतीक्षा सूची यानी के में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय लेना आवश्यक सूचनाओं तो मांग ली थी, लेकिन उनकी भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। 22 अप्रैल में निदेशालय ने 22 विषयों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के बारे में सूचना मांगी थी, लेकिन अब तक उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई है। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी विज्ञापन संख्या 46 को लेकर, और कुछ खास नहीं है। और इंटरव्यू के विशेषज्ञों से नंबर की जगह दिलाए जा रहे हैं ग्रेड, अधिकारियों ने की शासन तक शिकायत, नतीजा रहा सिफर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए चल रहे इंटरव्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंटरव्यू के लिए अपने आने वाले विशेषज्ञों को नंबर देने की बजाय ग्रेड में निर्देश दिए गए हैं। इसके विरोध में आयोग के अधिकारियों ने शासन से अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 46 व 47 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर नंबर की बजाय ग्रेड दिए जा रहे हैं और इसकी शिकायत भी प्रशासन की ओर को कर दी गई है। तो ये आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।